जय हिंद दोस्तों, जय जवान जवान, जय किसान। आप हैं राहुल जवान के साथ। हम हैं आज रविवार किसान दरबार, गांव जलालपुर। ये बिजनौर के पास मेरा एक फार्म हाउस है यहाँ पे, और लगभग 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। हम आज किसान भाइयों से चर्चा करेंगे उनके वास्तविक मुद्दों पे, वास्तविक बातों पे। अभी तक हमने उनके विचार जाने पिछली कुछ दो वीडियो के अंदर, और हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं कि किसान के विचार, किसान की बात किसान तक कैसे पहुँचाएँ। तो वो श्रृंखला भी इसमें दो वीडियो हमने पीछे बनाई हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक बात, एक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरा इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगता है। नंबर दो, अपने पास जो यूथ हैं, आपके पास जो नई जनरेशन है, उनको प्रेरित कीजिए, कम से कम नौकरी के साथ साथ भी खेती की तरफ जुड़ाव करें। खेती ही है जो हमें दोबारा से खड़ा कर सकती है, और यही एक चीज़ ऐसी है जो हमारा मूल आधार है। इसके बिना हम ज़ीरो हैं। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ आप लोगों का जब साथ आएगा, हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कुछ करेंगे, तब हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे पानी का स्तर गिर रहा है, हमारी ज़मीन का कार्बन गिर रहा है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो हम सबको मिलकर के एक संगठित प्रयास करना पड़ेगा। आपस के वैर लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ों को भूल करके हमें एक साथ आकर के सब किसानों को मिल के इस तरफ एक पहल करनी पड़ेगी। इसके लिए आपका भाई आपके साथ दिन रात 24 घंटे खड़ा है। आप किसान कार्यशाला के पास साथ आइए, और हम लगभग पूरे भारत में हैं, आप लोगों को पता ही है, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ। और जो लोग अभी तक, जिनको ये नहीं पता कि जो पहली बार वीडियो देख रहे हों, या कुछ लोग ऐसे होंगे यार राहुल जवान कौन है, तो मेरा जो पूरा नाम है वो राहुल जवान है, और मैं भारतीय सेना से हूँ इसलिए नाम के आगे जवान लगाता हूँ। 2002 में मैं भर्ती हुआ था सेना में, और 2020 में मैं 17.5-18 साल नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ। VRS लिया मैंने। 2012 से मैं खेती को सीख रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। और विदर्भ में जो लोगों ने आत्महत्याएं की थी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, और प्रेरित भी हुआ था कि मैं लोगों को जागरूक करूँगा। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, इस वजह से लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा आत्महत्याएँ की, और वो लोग अवेयर नहीं थे खेती को लेकर के, कि खेती एक्चुअल सही तरीका क्या है। वो उनका इन्वेस्ट ज़्यादा हुआ, उसकी इनकम कम आई, और किसानों को मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। वो बड़ा दुखद मतलब सीन था, मैं उसको सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना दुख है मेरे मन में आज भी उन चीज़ों को लेकर। ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति दे। तो तब से मैंने मन में ये बात ठानी थी कि मैं अब लोगों को जागरूक करूँगा। मेरा कोई एम नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम है किसान को जागरूक करना। अगर आप जागरूक हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर कमांड नहीं कर सकती, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। हम जागरूकता फैला रहे हैं लोगों में कि आप आगे बढ़िए, किस तरीके से बढ़ना है वो हम आप लोगों को सिखाते हैं। आप आइए, हमारी वेबसाइट है नीचे, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उनमें ऐड हो सकते हैं। नीचे ग्रुप दिए गए हैं, लिंक दिए गए हैं, आप वीडियो के नीचे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो के नीचे ही हमारे तीनों नंबर पब्लिश किए गए हैं। आप मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे ही आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और हम लोग निःशुल्क हैं। 1 रुपए का कोई चार्ज किसी किसान से पूरी दुनिया से हम नहीं लेते, भारत की आप बात छोड़ दीजिए, एकदम निःशुल्क हैं, फ्री सेवा। तो आप इसका लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ भेजिए, और जो बाकी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर आपको सच में कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको वीडियो के माध्यम से सफल किसान की स्टोरी के तहत आप उसको हमें भेजिए, और उसके अलावा कम से कम 10 लोगों को बताओ। यार अकेला भाई तुम्हारा कब तक दिमाग मारेगा, आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा। हर घर में राहुल चाहिए, हर घर में आप जैसे लोग चाहिए, हर गांव में चाहिए, तहसील जिला मतलब छा जाना है हम लोगों ने एक तरीके से, और देश को आगे बढ़ाना है। आप रोज़ शाम को चारपाई पे लिटने से पहले ये सोचिए कि मैंने आज देश के लिए क्या किया। समझ रहे हैं आप कि मैंने आज देश के लिए क्या किया। और आप किसान के लिए कर लो यार, देश किसान ही देश है। किसान अगर मुस्कुरा के सो रहा है तो देश मुस्कुरा के सो रहा है, याद रखना। किसान मुस्कुरा के उठ रहा है तो देश मुस्कुरा के उठ रहा है। इस देश में जवान और किसान किसी भी देश की जान होती हैं। तो हमारे देश में जवानों और किसानों को सिर्फ सम्मान चाहिए, और बस थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, और वो आपसे कुछ नहीं चाहते। तो आप लोग आइए उस तरफ, सम्मान देना सीखिए, सम्मान देंगे तो वापस मिलेगा। अभी हम चर्चा आगे शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, फिर आइए। नमस्कार जी। अब डॉक्टर साहब, आप अपने इतनी दूर से यहाँ आए हापुड़ से, तो क्या प्रश्न है आप कैसे लेकर के, थोड़ा सामने आगे ले आना, क्योंकि मोबाइल है, माइक नहीं है।
केला खेती के बारे में ही। जी जी जी, आप पूछिए, यहाँ बैठ जा रहा हूँ। विस्तार पूर्वक थोड़ी सी जानकारी करनी थी। जी जी, आप बताएं। एक वजह से कभी कभी मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग आ जाती है जी, वो उसमें बंच हल्का आता है। हाँ, वो क्या? ठीक है, इसका एक ऐसा है कि यदि आपने समय से पौधा लगाया और सही गाइडलाइन उसको दी, और जाड़े में भी अगर आपने पौधे को निरंतर भोजन दिया है, सही क्लाइमेट अगर उसको दिया है, निरंतर भोजन सही क्लाइमेट, तो वो चाहे अभी रामपुर के टांडा की एक कल वीडियो आई है, आपने अगर देखी हो। अभी नहीं देख पाया। वो अर्ली फ्लावरिंग बोल रहे थे उसको लोग, लेकिन अर्ली फ्लावरिंग मैंने उनको बोला, फौजी हैं वो, रिटायर हैं परवेश खत्री जी, तो मैं उनको कहा कि अर्ली फ्लावरिंग नहीं होती है केले। कई बार ऐसा हो जाता है मौसम अगर अनइवन हो गया तो वो मिसकैरेज टाइप में कुछ चीज़ें होती हैं, पौधे को लगता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ, तो उस समय में वो जैसा जितना स्टोरेज उसने खाया है, कुल मिला के बात एक ही है कि आपके पौधे को यदि आपने लगातार न्यूट्रिशन दिया है, लगातार क्लाइमेट कंट्रोल के साथ उसको रखा है उचित वातावरण में जो उसको चाहिए या उसके समकक्ष, तो आपके पौधे में इस तरह की विकृतियाँ नहीं आती हैं। ये तब आती हैं कि हमने कई बार भोजन तो दिया लेकिन पौधे ने लिया नहीं। अब हमने उस चीज़ पर काम नहीं किया कि इसने भोजन क्यों नहीं उठाया, उसके कई कारण हैं, क्लाइमेट कंट्रोल है, मिट्टी की संरचना है, पीएच है, पानी का तरीका है, खाद देने का तरीका है, जड़ों को तोड़फोड़ करने का तरीका है या जड़ों को ढकने का, अनंत तरीके हैं उसके। अगर हम सही और एकदम सटीक तरीके से चलें तो इस तरह की समस्या मोस्टली नहीं आती, और अगर आती भी है तो शुरू के 10% 5% पौधों में आएगी, उसके बाद जो आएंगे आपके जो शुरू के बंच आए होंगे वो दो चार आड़े तिरछे आए होंगे। हाँ। अभी जो भी आ रहा होगा वो एक व्यवस्थित रूप से आ रहा होगा ठीक ठाक। अभी तो फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है दोबारा से, दो चार पौधों में आई है। दो चार पौधों में कैसी फ्लावरिंग है? अभी तो वो निकला है बाहर कमल। अच्छा, कमल निकला। हाँ। क्या लग रहा है कि पिछले वाले कमल से क्या है? थोड़ा देखा उसको ध्यान से? नहीं, मैं तो नहीं जा पाया अभी। अच्छा, आप जा नहीं पाए, इस बार देख के बताइएगा। आप जो आएंगे वो अच्छे आएंगे। ठीक है। मई के बाद जो फ्लावरिंग उत्तर प्रदेश में आती है वो बहुत बढ़िया आती है। अगर आपको मई से पहले फ्लावरिंग लेनी है तो आप जो है फरवरी में कोई प्लांटेशन कर सकते हैं। पता है अभी तक हम लोग व्यापारी ढूंढ रहे हैं, और हमारे पास एक बहुत बड़ी एक टीम आ चुकी है व्यापारियों की, जो ये कह रहे हैं कि आप जो है हमें फरवरी में केला लगाओ, दिसंबर तक केले को तैयार करा दो, वो हो ही जाएगा आराम से। सितंबर में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर में केला तैयार, और दिसंबर उसको रहने दो, जनवरी रहने दो, पेड़ पे आराम से टका रहेगा वो बंच कवर लगा के। और भाई साहब कम से कम 18 से 20 रुपए का रेट होता है फरवरी में। बोले फरवरी में दिला दो, जितना केला उगा दोगे हम सारा केला ले लेंगे। तब मैं बोला भैया तो नेकी और पूछ पूछ वाली कहानी, हमारे पास तो है तैयारी, तो अगले साल से इसके ऊपर तैयारी शुरू करेंगे। अभी किसी किसान का माल खराब नहीं जाएगा खेत में जब तक राहुल जवान यहाँ पर बैठा हुआ है, आगे ईश्वर मालिक है। बहुत बड़े व्यापारियों की टीम एक साथ में लेके चल रहे हैं, उनके दर्द को भी समझना है, किसान के दर्द को भी समझना है, दोनों के दर्द को समझ के दोनों का सामंजस्य बैठा करके और दोनों को ही आगे बढ़ाना है। ना व्यापारी के बिना हम बेकार हैं, हमारे बिना व्यापारी व्यापारी बेकार। आप चाहो कि मैं व्यापारी को हटा दूँ बीच में से तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। हाँ, आप अपना माल खुद बेच सकते तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ऐसा 10% आदमी कर पाएंगे। 90% का माल खरीदने के लिए तो व्यापारी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और फिर हम भी तो व्यापारी बने। व्यापारी मतलब कोई अलग से वर्ग नहीं है, हम में से ही बने हुए हैं सब। हम में से ही जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार मतलब मेरी चीज़ को एक दूसरे जगह तक एक्सपोर्ट करना। हाँ। लेके जाना, वही व्यापारी है जो मुझे उचित दाम दे दे, तो हम इस पर डॉक्टर साहब बड़ा काम कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर लगातार है और आपका पौधा अगर लगातार हर नई रूट फेंक रहा है, सफ़ेद जड़े हैं और हम उसको बैलेंस पानी अगर दे रहे हैं, सबसे बड़ा खेल पानी का है खेती में, जो हम कर नहीं पाते बैलेंस। अगर हम बैलेंस पानी दे रहे हैं तो पौधे को खाद भी नहीं लगेगा। ये अभी ड्रिप चल रही है इसमें, तो जब से ड्रिप लगी है इसकी रंगत बदल गई, बिना खाद के भाग रहे हैं। तो ये आपका सवाल का जवाब था कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर सही रहेगा तो निश्चित रूप से फल सही आएगा। ठीक है, और बस तो यही दूसरा भाई, इतनी दूर आप आए, 3-4 हज़ार का तेल फूक के आए हो, तो कुछ तो मन में सवाल लेके आए। मेन तो यही था कि अब इन फ्यूचर के लिए हम सोच रहे थे आपसे, आप बिल्कुल प्रश्न पूछो, कैमरे के सामने पूछो, कोई छुपा के बात नहीं करेंगे। इन फ्यूचर के लिए हम 13 बीघा और बढ़ाना चाह रहे थे जी। तेरह बीघे आसपास। 13 बीघे मतलब लगभग 2.5 एकड़। ठीक है, बढ़ाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी गाइडेंस तो मिली। मैं साथ में खड़ा हूँ, पूरा विश्वास मेरे लिए, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, और कोई पैसा चार्ज तो पहले भी नहीं था। आप तो अपना पौधा लगा लिया आपने, अब भी कोई नहीं है, पहले भी नहीं रहेगा। पहले में हमारी एक आदत है, आप कोई भी फसल की खेती करते हो, केला वेला छोड़ दो,
दुनिया की कोई फसल आपके पास हो, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको निःशुल्क गाइडलाइन देंगे, आपसे कभी एक रुपया नहीं लेंगे चार्ज, आप दोगे तो भी नहीं, ना चंदा ना चैरिटी ना कुछ, नहीं लिया फ्री सेवा। कॉपागेन आ गया था, मैंने भैया को कॉल किया, मैं कहा ऐसे बात हो रही है, बोले वीडियो भेजो, मैंने वीडियो भेजा, फ्लोर साफ सी भेजो, फिर मैंने साफ सी भेजी, तो पूरी गाइडलाइन दी थी ऐसे ऐसे कर दो, वो खैर रुक गया था मैं भाई। चीज़ों का उपाय है, सब चीज़ों का उपाय है। लोग क्या करते हैं कि तुक्का मार दें, अब किसान को तुक्के की जरूरत नहीं है, किसान को सटीक जानकारी दे दो, जो रियलिटी है वो जरूरी है, लोग रियलिटी में बात नहीं करते किसानों के साथ, मिसगाइडेंस ज़्यादा करते हैं कि वो तुक्का मारते हैं कि मैंने भाई साहब को कुछ बता दिया, भाई साहब ने देखिए इन्फॉर्मेशन देना अलग बात है, और एक कहावत इंग्लिश का तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अंतर होता है, हाँ ऐसा बोलते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी और ज्ञान दोनों में फ़र्क है, जानकारी वो है जो हमें कहीं से मिली है, ज्ञान वो है जो हमने स्वयं किया है, अनुभव प्रैक्टिकल अनुभव। गाय धुना यार, गाय धुलाओ 10 मिनट लगेंगी, वो गाय को धुने में अंगूठा दर्द करता है भाई साहब ये वाला, पर जब शुरू में धोते हो तो 15 दिन तो बड़ी बुरी हालत होती है, दूध तक नहीं निकलता है, नहीं निकलता, आदमी कह देता है यार काम करो जल्दी से फटाफट ये ड्रेंचिंग करा दो, 500 पौधों में करने के बाद यहाँ पे दर्द करती है, और रात को जब करवट लोगे तो 3 बार आ की आवाज़ आती है, ये कब पता चलेगा, जब खुद करोगे बाल्टी उठा के, कि है नहीं हवा में बोल दिया, अब 4 एकड़ में ड्रेंचिंग कर दो, नहीं हो सकती भाई, एक आदमी एक दिन में सुबह शाम तक 1 एकड़ कर पाता है ढंग के साथ, नहीं तो बेहोश हो जाएगा शाम को, काम कर ही नहीं पाएगा उसका जी, वजन लेके भी चलना है डालना भी है सारी चीज़ें, जरूरत है हमें अपने बुद्धि के स्तर को बढ़ाने की किसानों को, कि कौन मेरे लिए क्या है। देखिए जैसे हर शरीर के लिए त्रिफला सूट नहीं करता, हाँ। हर शरीर को नींबू सूट नहीं करता है, हर शरीर को फल सूट नहीं करते हैं, हर शरीर को उड़द सूट नहीं करते हैं, किसी को मूंग की दाल सूट नहीं करती, वैसे ही खेतों में भी है, पुरानी कहावत है किसी को बैंगन पच किसी को कुपच, बिल्कुल हाँ। तो वैसे ही हमारे जो खेतों में समस्याएँ हैं इनके समाधान भी खेत की समस्या, खेत की फसल की स्थिति, खेत की संरचना, मिट्टी को देखकर ही बताए जाते हैं। इसलिए मेरा पहला सवाल क्या होता है, आप कितनी बार पूछते हो, मेरा क्या जवाब होता है, वीडियो हाँ। फिर पूछोगे मैं फिर एक ही चीज़ बोलता हूँ, डॉक्टर साहब वीडियो, उसके बाद में बात करनी है, गप्पा मारना है, आप मार लो मेरे साथ 1 घंटा, लेकिन बताऊँगा वीडियो के बाद, वीडियो बिना देखे मरीज बिना देखे मैं कैसे बता दूँ, उसको देख कर मुझे पता चलेगा कि बेचारा क्या मांग रहा है, और बाकी है सब कुछ बस फिलहाल तो। आपके सवाल साहब। हाँ जी, मेरा सवाल तो यही है कि मतलब पौध जो लाए पेड़ लगाए मैंने, अनार के पेड़ भी फट रहे हैं बीच से, ठीक है, केला जो आया फल वो बीच से फट रहा है, बोरान की कमी, हाँ तो और न्यूट्रिशन अनमैनेजमेंट, अमरूद लगाए तो अमरूद भी मतलब उनमें कीड़ा पड़ने लगा, हाँ तो अब आप खुद फल मक्खी के कारण कीड़ा पड़ता है, अब आप खुद तो आप फल खा रहे हैं, व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, फसलों को भी तो व्यवस्थित जीवन चाहिए, हम रात को सोते हैं तो मच्छरदानी लगाते हैं भाई, अगर किसी ने कहा कि ये जो रासायनिक आपके मच्छर मगाने मारने वाली आती है वो नुकसान देती है, आप मच्छरदानी लगाओ, तो पौधे के साथ भी तो वही है, ये चल फिर नहीं सकता, बस इतना ही अंतर है, ये सुन रहे हैं हमारी बात, हम चल फिर सकते हैं, हमारे द्वारा छोड़ा गया हर वेस्टेज पदार्थ इसका भोजन है, इसके द्वारा छोड़ा गया पदार्थ हम चलने फिरने वालों के लिए, हर पदार्थ इसका वेस्टेज हमारे चलने फिरने वालों के लिए भोजन है, जैसे इसके पत्ते नीचे जाएंगे सूखेंगे तो चलने फिरने वाले जो हमारे जीव हैं वो इसको खा पी के दीमक मिट्टी बना देगी, बाकी जो है इसको कार्बन में तब्दील कर देंगे, समझ रहे हैं आप, उसके बाद जो इसका फल है वो हम खाएंगे, हमारा जो फल को खा के वेस्टेज निकलेगा वो इसका भोजन है, ये प्रकृति परस्पर एक दूसरे से है, आदमी ने क्या किया है कि अपने आप को प्रकृति से अलग कर दिया, क्यों नेचर को मैं चलाऊंगा, अरे भाई तुम्हारी औकात क्या नेचर को चलाने की, अभी कोरोना में दिखाया था झटका सब जमीन में आ गए थे, सारी साइंस वाइंस रखी रह गई थी, हिरन बिल्ली कुत्ते शेर घूम रहे थे गलियों में, नील गाय घूम रही थी गाँव में, आदमी पिंजरे में था, हाथी अभी भी बेचारे पिंजरे में है, आदमी घूम रहा है सड़कों पर, क्या तब दुनिया नहीं चली, चली चली, अब फिर लोगों को लग रहा है कि हम ही दुनिया चला रहे हैं, फिर गलत फहमी पैदा हो गई, आप एक काम करेंगे मुझे उसका वो दे देंगे, आप एक वीडियो भिजवा दीजिएगा बनवा के जो बच्चे से या किसी से भी, तो मैं आपको जो कुछ चीजें बताऊंगा वो करनी, एक तो कितने पौधे हैं अपने पास, 100 पेड़ 100 पेड़ हैं,
तो लगभग आपने क्या करना है, 100 लीटर पानी लेना है। 100 लीटर पानी में 5 किलो सरसों की खल डालनी है आपने, ठीक है। 250 ग्राम नमक डालना है, आधा किलो चूना डालना है। अब इसको भिगो कर 2-3 दिन रख देना है। 3 दिन के बाद में 1-1 लीटर हर पौधे की जड़ में थोड़ा दूर फैला के जड़ों और पानी दे देना, पहला काम। दूसरा आपने फिर क्या करना है, 200 लीटर पानी, 100 पौधे तो लगभग आपका 50 लीटर पानी ले लो आप, चार पाँच टंकी ले लो। 5 टंकी पानी में आपका लगभग 7 किलो मिट्टी। मिट्टी कैसी लेनी है, कहीं भी कोई गड्ढा खुदवा लो खेत पे, या फिलहाल किसी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना 8-10 किलो, या ऐसी जगह जैसे ये पेड़ है इसके नीचे खेती नहीं हो रही फिलहाल के लिए, वरना तो 5 फीट का गड्ढा खोद के ऊपर से नीचे तक की मिट्टी ही लेनी है। एमरजेंसी बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तुरंत मैं एकदम से, अब उम्र भी हो गई तो कहाँ से एकदम 5 फीट का गड्ढा खोद पाएंगे। यदि खोद पाएँ तो वो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं खोद पाएँ तो पीपल के पेड़ के नीचे की, ऐसे पेड़ के नीचे जहाँ पर खेती ना हुई हो वहाँ की आप मिट्टी ले लो। तालाब में जैसे गड्ढे, नहीं तालाब की नहीं, हाँ ज़मीन की। 7 किलो मिट्टी आप ले लो, और लगभग आपका 5-7 टंकी पानी में, जो आप 15-70-105, 100 लीटर पानी में आप इसको डाल दो। 100 लीटर पानी में लगभग 10 किलो मिट्टी, उसके साथ में आपने 1 किलो सरसों की खल, हाँ उसके साथ में आपका लगभग जो है वो 700 ग्राम से 1 किलो गुड़ और 100 ग्राम फिटकरी गुलाबी वाली, 40 रुपये किलो मिल जाएगी आपको, कहीं 40 है कहीं 60 है कहीं 80 भी है, तो वो मिल जाएगी। वो लेकर के आपने इसमें डाल दी और आपने इसको डंडे से चला दिया और छोड़ दिया। 24 या 48 घंटे के बाद आपने आधा किलो गुड़ फिर दोबारा से पानी में घोल लिया, 1 किलो भी घोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आधा किलो गुड़ पानी में घोल लिया और घर से लेकर बाल्टी में या डब्बे में चले गए, उसको ले जाके वापस से उसमें डाल दिया। गुड़ महंगा है कम है तो पहले आधा किलो डाल दो बाद में आधा किलो डाल दो, ज़्यादा है बढ़िया है तो पहले 1 किलो डाल दो बाद में आधा 1 किलो डाल दो, ठीक है। आपने उसमें डाल दिया, अब इसको जाकर डंडे से चला दिया, अब 15-20 मिनट छोड़ दिया। अब टंकी रखी नीचे, टंकी के ऊपर डबल कपड़ा लगाया, इसको छाना और स्प्रे करना है। आपके कीड़ों को मारेगा, फंगस को मारेगा, आपके जितने भी इसके अंदर वायरस हैं उनको मारेगा। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का इससे दमदार फार्मूला इस दुनिया में नहीं, ऐसा कोई तत्व नहीं बचा आप जो पौधे को नहीं मिला। बाजरे पे मारो, कहीं भी मारो। दूसरी बात, ये नील गाय और आवारा जानवरों से बहुत बड़ा बचाव होता है इससे, इसे डालने से। अरे आप करके देखो, फसल पलट जाएगी, बोला ये क्या जादू है। मैं तो अब ना इसमें कीटनाशक आपको डालना कहीं से, ना फंगीसाइड ला के डालना है, ना कुछ डालना है, फिटकरी अपना आपने। और इसके अलावा आपने क्या करना है, दुकान से बिबेरिया बेसियाना एक वो आता है ऑर्गेनिक जी, और आपका मैथ्रीजियम एनिसोपले आता है, इन दोनों को अलग अलग मल्टीपल कर लीजिए। बाद में इनको एक एक मुट्ठी पौधों की जड़ में छिड़क दीजिए, वहाँ पे थोड़ा गुड़ाई करा दीजिए, तो एक कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। ऐसा आप 2-2 महीने में 3-4 बार कर दीजिए, तो वहाँ पे जितने भी कीड़ों के अंडे होंगे ज़मीन में वो सब खा जाएंगे। देखिए हमें, हमारे शत्रु कौन हैं, शाकाहारी कीट, और ये कौन है जो हमने छोड़े, ये मांसाहारी कीट, तो ये उनको खाते हैं। ज़मीन में ख़त्म बीमारी वहीं के वहीं, किसान थोड़ा एक सिस्टम बना दो एक बार, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं खेती में, आपने हर पानी पे, प्रत्येक पानी पे अगर आपने वेजडी कंपोजर चलाया 200 लीटर डी कंपोजर आता है, आपने सुना नाम, हाँ वेजडी कंपोजर ओरिजिनल कल्चर मेरे पास है, आप लोग ले जा सकते हैं, शुद्ध कल्चर जो ओरिजिनल है। आपने 200 लीटर पानी में डाल दिया, वो चाहे 100 ml डाल दो, चाहे 150 ml डाल दो, चाहे 2 चम्मच डाल दो, उससे बन जाता है। उसके अंदर आपने 1 एकड़ में प्रत्येक पानी पे 5 किलो सरसों की खली डाल दो, जैसे डिकम्पोजर बनाया, बन के तैयार हो गया 4 दिन में। अब इसमें आपने सरसों की खली डाली है, क्या 2 दिन या 3 दिन छोड़ दो, अब आप इसको पानी के साथ जाने दो, बस हर पानी के साथ यूरिया DAP पोटा, आपको कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नॉर्मल फसल है तो इससे भयंकर मैंने उत्पादन लिए हैं, 1.5 क्विंटल 1.25 क्विंटल सरसों निकली है मेरी हिसार में। एक लड़की है सुमन नाम की, वो सुन भी रही होगी, महिला है सुमन बिश्नोई, वो पूरी खेती करती है, वो और उसके हस्बैंड मिलके, तो उन्होंने इस बार मेरे पर पूरा भरोसा किया और उन्होंने गेहूँ और सरसों में कम से कम 100 बीघे थी उनके पास मिला करके हमारे यहाँ के हिसाब से, उन्होंने यही नुस्खे डाले, चूने वाला और ये सरसों के खले। चूने वाले को अगर आप पानी के साथ नहीं चला पा रहे तो
तो आधे पानी में बना लो, जब ये गाढ़ा रहे तो गोबर की खाद पर डाल के फावड़े से काट मार दो इसमें, और इसको डीएपी की तरह बिखेर दो आप खेत में। तो उसका 2.25 क्विंटल बिघा हमारे बिजनौर के हिसाब से उसका सरसों का एवरेज आया, और गेहूं भी उसका लगभग 2.5 से 2.75 के आसपास गेहूं बैठा ऑर्गेनिक। हमारा धान निकला था ऐसे जी, वो खलवाल और छूने वाला करके जी किया था, धान में 2 बार डलवाया। तो म्यूट कर दूँ सर जी। तो धान में 2.25 क्विंटल का जो बासमती वाला होता वो लगभग 1.5 के आसपास निकलता, लोगों में 2.25 का बड़ा अच्छा निकला, बहुत बढ़िया। और पूला भी उसका इतना ठाड़ा था, मतलब औरों से हमने वो देखिए आपको फायदा है चीज़ों में हुआ तभी तो यहाँ। मैं तो दुनिया में कोई खेती में गारंटी नहीं लेता, पता है। और मुझे भी मेरे साथी बोलते हैं कि तुम गारंटी शब्द मत बोला करो, खेती में गारंटी नहीं होती। मैं बोला भाई कैसे नहीं होती, हमने प्रैक्टिकल करा कैसे ना रिजल्ट नहीं। आप ये सरसों के खल वाला और ये फिटकरी गुड़ वाला करो, रिजल्ट नहीं आया तो फिर कैमरा ऑन करूँगा और फिर आप मुझे यहाँ आके बताओ। एक तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, अरे भाई साहब होने का कैसे नहीं, जब होगा बिल्कुल 100% होगा। जब बंदूक की गोली चलाई आदमी होना मरने गया था, हो सकेगा कभी कोई काम करने से पहले अगर आप ये सोचो होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ना हो। देखिए अगर आप नॉलेज बांट रहे हैं तो गड़बड़ है, सॉरी इन्फॉर्मेशन बांट रहे हैं, तो हम तो नॉलेज बांट रहे हैं जो मैंने किया प्रैक्टिकल करके किया आपने। तो आप अपनी नर्सरी में इसको प्रयोग करो, करता हूँ, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे आपके। जो सीसीएम में नाम नहीं बोलना चाहता, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता वहाँ पे, बस वो सारे आपके पैसे बच जाएंगे। ऑर्गेनिक में भी बहुत महंगी महंगी है भाई साहब, आपसी के रेल बना रखी लोगों ने, सही बात है। और जहाँ पे कीड़े लगे हों इस समय पे आप वहाँ पे ये स्प्रे करके देखना, आप हंसोगे यार राहुल भाई ये तो जादू हो गया यार, बताओ मिट्टी, अरे यार हमें तो पता ही नहीं था आज तक। इस चीज़ को 2004 में पद्मश्री मिल चुका है मिट्टी के स्प्रे को, लेकिन वो गरीब की बात किसी ने कभी फैलाई नहीं। क्यों, दुकान कैसे चलेगी जब तक मैं आप लोगों को 4 पैकेट ना बेच दूं, तो मेरी गाड़ी में तेल कहाँ से आएगा, मुझे तो मुर्गे चाहिए। कोलेजन जो ईख में लगा रहे हैं तो ये स्प्रे ही करें इसका ना जी, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह सही है। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है आपको, अगर आप विवेरिया बेसाना चला देंगे। अच्छा। अब आपने नाम ले लिया तो मैं आपको बता दूँ, विवेरिया बेसाना ये क्या करते हैं, कीड़ों को तो मारते जमीन में जाके। विवेरिया बेसाना क्या कर रहा है, वो खा रहे हैं, ये मार रहे हैं, बात तो एक ही है, मृत्यु तो हो ही रही ना। वो शेर खाया गोली से मारो तो शेर को खाने दो, उसका भी पेट भरेगा, और शेर आएंगे और खाएंगे, और शेर आएंगे और खाएंगे, तो ये चीज़ आएगी नहीं। बंदूक से कब तक मारोगे बैठ के, खर्चा और कर रहे हो बंदूक पे। एक स्नैपर वाला रख रखा है, उसमें राउंड भी ला रहे हो और राइफल भी खरीद के ला रहे हो, उससे अच्छा शेर छोड़ दो, अपने आप खा पी के बराबर कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, नीचे से काम करो ना जमीन पे। देखिए आप कहीं काम मत करो, खेत की मिट्टी पे काम करो, हम खेत की मिट्टी पे ही काम नहीं करते। आपको हर 3 महीने से 6 महीने में अपना कार्बन चेक कराना है पूरे खेत का, कि क्या मैं राहुल भाई के साथ चल के मेरा जो खेत की स्थिति थी सुधरी या बिगड़ी। बिगड़ी तो बताओ भैया, बिगड़ रही, उसके बाद नहीं सुधार पा रहे तो उंगली छोड़ दो राहुल भाई की, ये दूसरे के पास जाओ। हम लोग अंधभक्त बन जाते हैं, गलत हो या सही मैं तो यही करूँगा, मैंने प्रण लिया आज, वो उल्लू का पट्टा तो बर्बाद हो जाएगा, बालकों की फीस कौन देगा। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा काम इन चीज़ों से चल जाए। यदि ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे आत्मरक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ेगी तो मैं उठाता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। एक सैनिक तब तक गोली नहीं चलाएगा किसी को पर जब तक उसकी आत्म खुद के ऊपर नहीं आ जाएगी कहानी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बंदूक लेकर बैठा हूँ दुनिया गोली मार दूँगी। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप मेरी फसल बर्बाद होने की स्थिति में है, तो उसको बचाने के लिए अगर मुझे सीमित मात्रा में रासायनिक का प्रयोग भी करना पड़ रहा है शुरू के 1-2 साल, तो क्या गलत है उसमें। लेकिन ज़बरदस्ती रासायनिक ही मार रहा हूँ ला करके, वो गलत। आप जो भी रासायनिक खाद दो उसको गोबर की खाद में मिलाओ, 10 दिन तक बना के रखो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी 1 एकड़ गन्ने की बात करें अभी की स्थिति में, तो आप 25 किलो NPK ले लो, उसके साथ में मैग्नीशियम 5 किलो ले लो, सल्फर 2 किलो ले लो, फ्यूमिक एसिड 2 किलो ले लो, ये सब चीज़ों के साथ में सरसों की खली 10 किलो मिला लो, पोटेशियम होमेट ले लो आप इसमें 0.5 किलो, अब इस सब को सल्फर तो होगी 2 किलो, अब इस सब के ऊपर थोड़ा पानी छिड़को गुड़ के पानी का घोल या वैसी कंपोजर या गौमूत्र, और उसको छिड़क करके नमी दे करके, और इसको नीचे पॉलीथीन बिछाओ उसके ऊपर लगा दो ऊपर से पॉलीथीन, इसको सबको 3 गुना कम से कम 3 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना 5 गुना 6 गुना मिट्टी की
खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ या मिट्टी के साथ मिला लो। अब इसको मिलाकर 10 दिन एयर टाइट कर दो एकदम, मतलब पन्नियों को ऐसे दबा दो कि हवा ना लगे। 10 दिन के बाद आप जब इसको सूंघोगे ना, आपको स्मेल नहीं आएगी किसी प्रकार की। और DAP का दाना ढूंढ कर दिखा देना मुझे अंदर से, आप NPK का, आपको ऐसा लगेगा गोबर है। बॉन्डिंग खत्म, केमिकल जीरो, क्या दिक्कत है। अब ये इतनी शक्तिशाली हो चुकी कि 75 किलो NPK बन गई, 100 किलो, 25 किलो, ये चीज़ कोई बताने को तैयार नहीं है। कैसे डाला जाए खेत में? भाई ऐसी फेंको जाए, यूरिया भी फेंकोगे? अच्छा, आधा फेंक दो, आधा 10 दिन के बाद फेंक दो। एक और मजे की बात, आप डायरेक्ट फर्टिगेशन देंगे, अगर डायरेक्ट फर्टिलाइजर देते हैं तो वो लगना शुरू होता है 10 से 20 दिन के अंदर, 80% फिक्स हो जाएगा। फिक्स मतलब किसी काम का नहीं। और ये जो आप इस तरीके से दोगे, ये आज ही 6 घंटे के बाद लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपके खेत में नमी और आपने दे दिया, तो अगर ये आपने 3 बजे दिया है तो रात को 8 बजे पौधा भोजन कर रहा होगा बैठ के शांति के साथ। वाटर सो लेवल की तरह काम करता है ये, और भयंकर परिणाम है इसके, भयंकर। मैं तो कहता हूँ किसानों से, तुम कुछ मत करो, मेरे 2-3 नुस्खे कर लो। ये एक हाथ में चप्पल और एक हाथ में माला रखना, तो चप्पल पहन के ही आओगे, डाल लेके माला ही आओगे। ना करो तो मारो आके सर पे, इसमें गलत क्या है? ना फैक्ट्री में मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ करेंगे।